जय हिंदुस्तान वंदे मातरम। एक पुरानी किसी मूवी का डायलॉग है कि यदि इश्क करना गुनाह है तो मुझे मार दो, है ना। मतलब इनडायरेक्टली मैडम का या भाई साहब का कहना यह है इस कथन से कि भैया हमने तो इश्क किया है, अब बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में जब भी आप कोई ऐसी चीज बोलें जिसके कि दो या तीन अर्थ निकाले जा सकते हो, तो आपको उस चीज को समझना चाहिए कि आप जो भी कुछ बोलोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्योंकि बोलने की आजादी है तो इसलिए इंसान बोलने के पहले सोचता नहीं है। वो सोचता है कि भाई ठीक है, आजादी तो है, बोल दो, क्या ही होगा, बाद में हम समझेंगे इस चीज को। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आज की डेट में यदि आप सोशल मीडिया पर कुछ बोलते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने तीर जो है ना बाण से निकाल, मतलब बाण जो है छोड़ दिया तो अब उसको वापस नहीं ला सकते। वही आलम है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर आपने कुछ बोल दिया, उसके बाद उस चीज का कुछ नहीं हो सकता, वो अब चली गई, अब वो अनंत तक आपके पीछे पड़ी रहेगी, यही कुछ आलम। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर आप कुछ भी करें, काफी सोच समझ करने के बाद ही करें, वरना ना करें तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे में ही एक मोहतरमा है जिनका की नाम है अरफा खानू, दवायर से आती हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहलाना पसंद करती हैं, अच्छी पत्रकारिता है इनकी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही है इंसान तो गलतियों की मूर्त होता है भाई, भगवान थोड़ा ना, भगवान होता तो फिर गलतियां क्यों करता। तो इसीलिए इन्होंने भी एक ऐसी गलती करी है, हालांकि ये मानेंगी नहीं कि ये गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें इन्होंने ऐसी कही हैं जो कि ऐसा लग रहा है उनको सुनकर कि यार इनमें गलती तो कहीं ना कहीं हुई। अब गलती हुई तो भाई लोगों ने पकड़ भी लिया, और लोगों ने पकड़ा तो लोगों ने सुना भी दिया, अब लोगों ने सुनाया तो उसके रिएक्शंस भी आए, और जो रिएक्शंस आए उन्हीं के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। वामपंथियों के प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर की सीनियर संपादक अरफा खानम शेरवानी को नेटिजंस जमकर सवे ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अरफा खानम ने केरल के तथाकथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेल मिलने के बाद ट्वीट करते हुए मुस्लिम पत्रकार कार्ड खेलने की कोशिश करी, वही विक्टिम कार्ड। दरअसल हाथरस में साजिश रचने और प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई के साथ संबंधों को लेकर कप्पन 28 महीनों से जेल में बंद था। विभिन्न मामलों में उसे जमानत मिलने के बाद गुरुवार 2 फरवरी को उसे जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसको लेकर अरफा ने मुस्लिम कार्ड खेला और दावा किया कि कप्पन सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम पत्रकार है। अरफा ने ट्विटर पर लिखा, तकरीबन 2 साल बाद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यूपी की जेल से रिहा हुआ। सिद्दीकी को एक ऐसे अपराध के लिए कैद किया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे एक पत्रकार हैं, ऊपर से मुस्लिम। उनके ट्वीट के बाद नेटिजंस ने कमेंट की बरसात कर दी, और देखिए ये तो होना ही था क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी कई लोग थे जो उससे इत्तेफाक नहीं रख पा रहे थे। दरअसल उनके ट्वीट में जो उन्होंने बात कही थी कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि वो एक पत्रकार थे, ऊपर से मुस्लिम थे, तो लोगों ने सबसे पहले सवाल जो उठाया इनके ऊपर वो तो यही उठाया कि यार मैडम ये तो फिर क्राइटेरिया आपके साथ भी होना चाहिए। यदि भारत में एक पत्रकार यदि वो मुस्लिम है उसको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर तो सभी को ऐसा ऐसा होना चाहिए जो भी ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखते हैं उनके ऊपर क्या रिएक्शन आया। तो अरफा खानम का ये ट्वीट है जो कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, इसी के ऊपर सबसे पहले मार्कंडे कार्जुन जी ने लिखा है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, योर कॉन्स्टेंट रिफ्रेन इज मुस्लिम, डोंट यू रियलाइज सच कॉन्स्टेंट टॉक्स इज फर्दर पोलराइजिंग सोसाइटी एंड बेनिफिटिंग द रूलिंग पार्टी, बट इन योर ऑब्सेशन परहैप्स यू कुडंट केयर लेस। इसी के ऊपर इन मोहतरमा ने भी लिखा है कि शी डजंट केयर, बिल्कुल उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात सामने चली गई, बात हो गई, बात खत्म। मतलब मुझको तो ऐसे ही लगता है फिलहाल। तन्मय शंकर ने लिखा कि जिंदगी भर सिर्फ एजेंडा चलाना और मुस्लिम कार्ड खेलना, यही तो किया है आप कुछ लोगों ने। इसके आगे नीरज लिखते हैं, ऐसे लोगों का रिहा होना समाज के लिए घातक हो सकता है, सरकार को ऐसे अराजक तत्वों पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए, जिस व्यक्ति को निर्दोष करार दिया जा रहा है जरा उस पर लगे आरोपों को एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए, बेल मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं वैसे। सैंडी ने लिखा है कि इफ इज ओनली क्राइम वाज बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड अ मुस्लिम, व्हाई आरंट यू बिहाइंड द बार सो फार, समथिंग टू पॉन्डर ऑन, ये बात भी ठीक है। रूपा जी ने लिखा है कि यू राणा सभा आर मुस्लिम एज वेल, यू थ्री आर नोन फॉर स्पीइंग वेनम अगेंस्ट हिंदुत्ववादीज फॉर ट्राइंग टू कॉज कम्युनल डिसहार्मनी बाय ट्विस्टिंग द नैरेटिव, हाउ इज दैट यू हैवंट बीन अरेस्टेड, और डू यू नॉट कंसिडर योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट व्हिच फॉर अ चेंज वर्ल्ड चेंज वुड बी ट्रू, सैडली यू कैन बी सो मच मोर देन मुस्लिम बट यू ऑल यू वॉन्ट टू बी अ विक्टिम मुस्लिम, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म वेयर यू वी ऑल अबाउट दैट वन थिंग, द आयरनी इज दैट स्टिल यू आर नॉट कंसर्न अबाउट 85% ऑफ पसमंदा मुस्लिम्स एंड देयर इंटरेस्ट, इफ यू थिंक बींग अ मुस्लिम इज क्राइम इन इंडिया एंड यू पीपल आर फेसिंग इनजस्टिस बिकॉज ऑफ इट, देन प्लीज लीव आर कंट्री। ये कौन है भैया? एडवोकेट खुश खंडेलवाल जी हैं। वी विल मोर देन हैप्पी टू एस्कॉर्ट यू आउट ऑफ द कंट्री। पल्लवी ने लिखा है कि डियर अरफा,
By that logic, every Muslim journalist in India, including you, should have been jailed. By the way, journalist Siddiqui Kappan is out on bail, not given clean chit by courts. By the way, why was a Kerala journalist so interested in UP story? Why never Rajasthan? ये बहुत अच्छी चप्पल मारी है। सम्राट भाई ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि he is अंबिकेश महापत्रा, who spent 12 years on jail for sharing a cartoon on Mamata Banerjee. Why no support for him? Oh wait, he doesn't pass the criteria of being peaceful. बिल्कुल, इसको तो लाइक करना पड़ेगा। Rise of Balwan लिखा है कि absolutely, but police has not arrested you despite being journalist and also a Muslim. Why? I'll say. Your Photoshop skills must have pleased them. Mr. Sinan लिखा है कि अफजल गुरु बुरहान वानी एक्सेट्रा were also innocents, then why punished for being a Muslim? निशान ने लिखा है कि you paid and fake journalist come agent think that whom you support they never do any crime like Tahir Hussain and many others. Your पत्थरबाज दंगा या दंगे टुकड़े टुकड़े गैंग are all innocents. सीधी बात है, ये जिसका सपोर्ट करते हैं वो सब, मतलब उनके कोई पाप ही नहीं होते। What was this man's crime? Favicol journalism professor who shared Mamata's cartoon discharged after 11 years. लेकिन इन चीजों की तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हैं ये इनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती। मतलब जो हमने अभी बातें देखी उनको देखकर तो मतलब मोटी मोटी बात यही निकल कर सामने आती है कि एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसमें यदि कोई बात फिट बैठ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बैठ रही है तो भैया उस बारे में बात करने से कोई सेंस नहीं है। आप लोगों का कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।